हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज फाल्गुनी चौधरी। वेलकम टू बिना टेक गाइड। आज हम देखेंगे विंडोज 11 के बारे में। हाँ, आपने सही सुना है, विंडोज 11। माइक्रोसॉफ्ट ने 24 जून को डिक्लेयर कर दिया है कि वो लोग विंडोज 11 को रिलीज करने वाले हैं। डेट तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेरीज आपका मन में आएगा, विंडोज 11 का सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होगा, क्या रिटर्न हम लोगों को विंडोज 11 खरीदना पड़ेगा, या बहुत सारी जगह पे ये भी बताया जा रहा है कि विंडोज 10 को हम लोग 11 में अपग्रेड कर सकते हैं, वो सही है कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी क्वेश्चंस आपका दिमाग में अभी आ सकता है, वो सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं ये वीडियो में दिखाते जाऊंगा। तो अभी चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले से ही ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल साइट खोल के रखा है, जहाँ पे विंडोज 11 के बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ये उसका लगभग लुक होगा जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। मैं इसका थोड़ा वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कैसा हो सकता है। तो चलिए आप ये वीडियो को बाद में डिटेल में देख लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट का साइट पे जाके। मैं चाहे तो इसका लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको पॉज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि भाई हम लोग अगर विंडोज 10 खरीद लिया है तो विंडोज 10 को स्क्रैप करके रिटर्न विंडोज 11 लेना पड़ेगा, और विंडोज का लाइसेंस तो इतना सस्ता होता नहीं है, सो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा खरीदना। चलिए दिखाता हूँ क्या बोल रहे हैं लोग। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द राइट पीसी फॉर यू। यहाँ पे क्या लिखा है, नीड ए न्यू पीसी नाउ। इसका बाद लिखा है, देयर आर सम विंडोज 10 पीसीज दैट कैन अपग्रेडेड फॉर फ्री व्हेन विंडोज 11 रोल्स आउट। इसका मतलब यह होगा कि एक मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, अगर विंडोज 10 का पीसी जो आपका पहले से लाइसेंस है, अगर वो पीसी का हार्डवेयर विंडोज 11 को सपोर्ट करता है, तो आपको विंडोज 11 फ्री में मिल सकता है। ठीक है, इसी चीज को सपोर्ट करेगा, आप देखिए लिखा हुआ है और एक जगह पे ये देखिए, चेक योर कंपेटेबिलिटी, Use the PC health check apps to see if your current PC meets the requirements to run Windows 11. If so, you can get a free upgrade when it rolls out. Okay. तो मतलब वही है कि यहाँ पे उसी बात को सपोर्ट कर रहा है कि आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपका लैपटॉप विंडोज 11 के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं वो आपको बता देगा, और अगर कंफर्टेबल हुआ और आपका पहले से ही विंडोज 10 का लाइसेंस है, तो आपका लैपटॉप में आप फ्री ऑफ कॉस्ट विंडोज 11 अपग्रेड कर सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड करके भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना है चेक। सबसे पहले हम लोग विंडोज 11 का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने डिक्लेयर किया है वो देख लेते हैं। प्रोसेसर क्या बताया गया है, 1 GHz और फास्टर विद 2 or more कोर्स, ए कंफर्टेबल 64-bit प्रोसेसर और सिस्टम ऑन ए चिप। मतलब प्रोसेसर जो चाहिए वो है मिनिमम 2 कोर वाला प्रोसेसर जिसका स्पीड होगा 1 GHz और 64-bit कंपलसरी, क्योंकि ये जो आपका विंडोज 11 आने वाला है वो खाली 64-bit को ही सपोर्ट करेगा, 32-bit शायद इसमें बंद किया जा रहा है। मेमोरी मिनिमम 4 GB है, स्टोरेज 64 GB और लार्ज स्टोरेज डिवाइस। इसके बाद है डायरेक्ट एक्स 11 कंपेटेबल ग्राफिक्स / WDDM 2.x, ये मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, मतलब आपका नॉर्मल लैपटॉप के साथ या डेस्कटॉप के साथ आ जाएगा।
उसके बाद डिस्प्ले होना है मिनिमम 9 इंचेस विद एचडी रिजोल्यूशन। एचडी रिजोल्यूशन का मिनिमम कितना है? 720 पिक्सल। और इंटरनेट कनेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर सेटअप फॉर विंडोज 11 होम। जब विंडोज 11 होम आप इंस्टॉल करेंगे तब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे चेक करना है आपका लैपटॉप विंडोज 11 के लिए कंपेटेबल है कि नहीं। तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दिया है, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐप दिया है, उस ऐप को डाउनलोड करके हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम विंडोज 11 के लिए कंपेटेबल है कि नहीं। तो इसको डाउनलोड मैं करता हूँ। ये 13.5 MB का सॉफ्टवेयर है। मेरे जो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया तो पहले इंस्टॉल ही कर लेते हैं। एक्सेप्ट, इंस्टॉल। तो इंस्टॉल होते होते मैं आपको दिखाई देता हूँ कि मेरा लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो क्या करना है, चलिए दिस पीसी में जाते हैं, इसको राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज में। देखिए मेरा पास है AMD Ryzen 5T450U with Radeon Vega Mobile GFX 2.10 GHz प्रोसेसर। ठीक है, और इंस्टॉल रैम है मेरा 8 GB 64 बिट है। ठीक है, और मेरा विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज का लाइसेंस है जिसका लेटेस्ट वर्जन 21H1 है। ओके, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, अभी फिनिश कर देता हूँ। Introducing Windows 11. Let's check if this PC meets the system requirement. If it does, you can get the free upgrade when it is available. तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, मुझे फ्री मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। This PC can run Windows 11. Great news! This PC meets all system requirements for Windows 11 and it is free. We will let you know when it is ready to install. मतलब मेरा जो लैपटॉप है वो विंडोज 11 के लिए कंपेटेबल है और मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में विंडोज 11 मिलेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस अबाउट द विंडोज 11, ये चाहे तो आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। और मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि विंडोज 11 के साथ आप एंड्रॉइड का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो ऐप होता है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा न्यूज है। सो अभी तक के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको विंडोज 11 का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है और जो आपका कंफ्यूजन था कि विंडोज 11 हमको फ्री में मिलेगा या हमको खरीदना पड़ेगा, वो क्या होगा, उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होगा, सबका आंसर आपको मिल गया होगा। और कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके बाद जैसे नया कोई इन्फॉर्मेशन आएगा आपके साथ शेयर डेफिनेटली करूंगा। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।